महाराष्ट्र की राजनीति के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पन्नों को पलटाने वाली, साथ ही पालघर साधु लिंचिंग और बाबरी मस्जिद जैसे बड़े मुद्दों को उठाने वाली मराठी सिनेमा की साल 2024 की एक बेहतरीन पैन इंडिया फिल्म धर्मवीर 2 फाइनली हम सभी के बीच में दस्तक दे चुकी है। तो अगर आप भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठी फिल्म धर्मवीर 2 के रिव्यू के बारे में, साथ ही आप सभी को बताने वाले हैं कि फिल्म को रेटिंग कितनी मिली है और फिल्म अपने पहले दिन कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म एक पॉलिटिकल बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जिसको कि डायरेक्टर प्रवीण टर्डे के डायरेक्शन में बनाया गया है, जो कि शिवसेना लीडर आनंद दिघे की लाइफ पर आधारित होने वाली है। साथ ही ये फिल्म एकनाथ शिंदे की लाइफ पर भी फोकस करने वाली है। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। तो फिल्म को ऑडियंस के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जी हाँ, जिसके चलते फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर बात करें फिल्म की कुछ बेहतरीन चीजों के बारे में, तो फिल्म की स्टोरी लाइन काफी जबरदस्त और इंगेजिंग है, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। अगर बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, तो ये कहानी धर्मवीर के आगे की स्टोरी होने वाली है, जिसमें कि हमें शिवसेना नायक आनंद दिघे की लाइफ को दिखाया जाएगा, साथ ही इनके लाइफ के कुछ काफी गहरे पन्नों को भी खोला जाएगा। साथ ही इस फिल्म में हमें इनकी पॉलिटिकल जर्नी के साथ साथ इनके सिद्धांतों की कहानी को भी दिखाया जाएगा। साथ ही फिल्म में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया गया, जो कि पालघर लिंचिंग और साथ ही बाबरी मस्जिद का भी केस हमें इस फिल्म में दिखाया जाएगा। साथ ही ये फिल्म एकनाथ शिंदे की लाइफ पर भी फोकस करने वाली है। अगर बात करें फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। साथ ही फिल्म के डायलॉग्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर बात करें फिल्म की कुछ कमियों के बारे में, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ तो काफी ज्यादा इंगेजिंग है, जिसमें कि हमें आनंद दिघे की लाइफ को दिखाया गया है। लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा कम इंगेजिंग है, जिसमें कि हमें एकनाथ शिंदे वाली स्टोरी को दिखाया जाएगा, जिसके चलते फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं। अगर बात करें फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म की स्टोरी लाइन के चलते फिल्म का कलेक्शन काफी अच्छा खासा देखा जा रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये फिल्म कोविड के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग ले सकती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रितेश देशमुख की फिल्म वेड़ ने अपने पहले दिन लगभग 2 करोड़ और 25 लाख की ओपनिंग ली थी, लेकिन ये फिल्म वेड़ के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए लगभग 2.5 करोड़ तक की ओपनिंग मराठी भाषा से इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से लेने वाली, जो कि अपने आप में काफी शानदार कही जाएगी। फिल्म को हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया, लेकिन हिंदी भाषा में फिल्म को काफी कम स्क्रीन्स मिल पाए, जिसके चलते हिंदी भाषा से फिल्म का कलेक्शन काफी कम ही आने वाला है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने लाइफ टाइम में काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए नहीं। तो अगर आप भी महाराष्ट्र के राजनीति में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और एकनाथ शिंदे और आनंद दिघे के काफी बड़े फैन है, तो आप सभी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और आप सभी को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। तो आप सभी को अगर ये फिल्म देख ली, तो आप सभी को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी को क्या लगता है, ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर पाएगी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।